हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आईएसएल सीजन 9 के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जितने भी मैचेस खेला है उन सारे मैचेस में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को सिर्फ हार का ही मुंह देखना पड़ा है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सारे फैंस काफी ज्यादा नाराज है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर्स, मैनेजमेंट और कोच से। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए मैनेजमेंट के बारे में, तो प्लेयर सिलेक्शन के ऊपर काफी बड़ी सवाल उठ रहे हैं फैंस के द्वारा, और उसके बाद कोच मार्को बालबुल के टैक्टिक्स को लेकर भी काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं सारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के द्वारा। क्योंकि हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर्स में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट ड्रॉ लेने का भी, कोई अटैकिंग फुटबॉल नहीं, कोई डिफेंस नहीं, कोई मिडफील्ड नहीं। तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो है, और मार्को बालबुल का ये काम है कि उनके प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस दे और अपने टैक्टिक्स को बदले। तो हम देखें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ना डिफेंस काम कर रहा है, ना मिडफील्ड काम कर रहा है, और ना विंग, और ना ही स्ट्राइकर्स फिनिश कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का अभी फिलहाल जैसा प्रदर्शन है अंडर मार्को बालबुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट मार्को बालबुल को रिलीज कर देगी, इसका बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी है। और अगर मार्को बालबुल कंटिन्यू नहीं करते जनवरी ट्रांसफर विंडो के बाद, तो उनके रिप्लेसमेंट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंटोनियो लोपेज हबास के रूप में। तो दोस्तों, एंटोनियो लोपेज हबास इंडियन सुपर लीग के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोच है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एंटोनियो हबास को ट्राई करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट को। और एंटोनियो हबास, सबसे बड़ी बात यह है कि विदाउट क्लब बैठे हैं पिछले 1.5-2 सालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अगर कोई ऊपर ले जा सकता है तो वो है एंटोनियो लोपेज हबास। तो आप सभी को क्या लगता है, आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चले दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चले दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।